हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देवांशु इंडियन। आज मैं ट्रैक्टर का एक्सप्लोर करने वाला हूं, जो मैं आज करडा गांव जा रहा हूं। और करडा गांव 60 किलोमीटर की दूरी पे है और ये रास्ता नदी वाला है और बहुत रेती है इस रास्ते पे, क्योंकि ट्रैक्टर को ज़्यादा भगाना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएगा ट्रैक्टर। आगे हमारा रोड आ जाएगा 5 मिनट में। अभी भी हम रोड पे नहीं चढ़े हैं और अब चढ़ गए रोड पे, और ये मेरा भाई चला रहा है ट्रैक्टर। और हमारे गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। देखते हैं कि आज ये ट्रैक्टर कितना डीजल लेता है 60 किलोमीटर आने का और 60 जाने का। 120 किलोमीटर होता है हमारे गांव से टोटल। तो हम आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, वहाँ पर हम टंकी को फुल करवाएंगे और वहाँ पर डीजल की टंकी फुल करके देखेंगे कि ये एवरेज क्या लेता है। अभी आ गया पेट्रोल पंप और यहाँ पर हम डीजल को फुल करवा दिया और चल पड़े। वेलकम दोस्तों, हम दो ट्रैक्टर लेके आए थे। हमने पहला ट्रैक्टर आधा भर दिया है बाजरे का सारे का, और ये भी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक एक पूला ट्रोली पे जमाना पड़ता है और ध्यान से भरना पड़ता है। ये भी अपने आप कलाकारी है दोस्तों। और ये दूसरी ट्रोली पे भरा और उसके बाद में ये ऊपर इतना भर दिया ट्रोली, बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि इसको रस्से की सहायता से टाइट कस के बांधेंगे और थोड़ा नीचे जाएगा। और हमारा भाई थक गया है। और हमारे ये दो ट्रैक्टर है और डीजल के एवरेज का जो भी रहेगा, कितना खाया कितना बचा, हम आगे वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि दूसरा वीडियो पे इसी वीडियो में हम बता सकें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डीजल के एवरेज के बारे में बताएंगे कि 120 किलोमीटर में कितना डीजल लिया इस ट्रैक्टर ने। थैंक यू गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना दोस्तों। अभी भी हम इस ट्रोली को भर रहे हैं, बहुत दूर आए हुए हैं, 60 किलोमीटर दूर हमारे गांव से। थैंक यू गाइज।